गुड मॉर्निंग। आई होप आपको ये उत्तराखंड के ब्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे। आपको ज़्यादातर यहाँ मंदिर ही देखने को मिलेगा इन ब्लॉग्स में। जैसा कि आपको पता है, ये देवभूमि है, तो यहाँ पे मंदिर सी है। एंड आज हमारी एनिवर्सरी भी है। आज 3 साल हो जाएंगे हमारी शादी को, और आज मैंने पहनी है साड़ी। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है, पूरे दिन साड़ी में रहना, क्योंकि मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ घर पर। और जैसा कि आपने कल वाले ब्लॉग में देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको पीरू के बारे में बताया था, यहाँ पर जो मंदिर है उनको चल के जाना पड़ता है, रोड पे नहीं है और चढ़ाई पे है। तो ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है कि साड़ी में पैरों पे चलना। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम इतना अच्छा है, यहाँ पे इतनी ठंड है। सुबह हम लोग गर्म पानी से नहा रहे हैं, जयपुर में तो बहुत गर्मी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है इतने टाइम बाद गाँव में आके यहाँ पर रह के। ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हम सिर्फ कल ही रुके थे, आज सुबह निकल रहे हैं। एंड व्यू आप देख सकते हैं पीछे से। तो अभी तो हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आज पूजा है और आज हमारी एनिवर्सरी भी है। तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज़, यहाँ पे मैं डेली पूज रही हूँ। हमारे पहाड़ में जब लड़की की शादी हो जाती है, तो उसके बाद जब वो अपने मायके से ससुराल जाती है, तो इसी तरीके से डेली पूजती है। एंड ये मेरा पहला मायका है, तो मैंने यहाँ पे भी पूजा, और भी मैंने गांव में जितने भी हमारे घर थे उनमें पूजी, क्योंकि मैं उनकी भी बेटी थी एंड काफ़ी टाइम बाद गई थी। और जयपुर में भी मैं इसी तरीके से जब अपने मायके से ससुराल आती हूँ तो डेली पूजती हूँ। इसका मतलब ये होता है कि आपके मायके में कभी भी धन धान्य की कमी ना हो। और अब हम मंदिर के लिए जा रहे हैं। ये शाकोट का मंदिर है, मैं आपको अंदर से मंदिर भी दिखाती हूँ। एंड अभी मंदिर में थोड़ा थोड़ा काम चल रहा था, और भी अच्छे से इसे बना रहे हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। कौन छिन जाएगा तेरा? वो एक जमण बच्चे के साथ बैठा है, देखो हिला लड़ा रहा है वो। देखो मत यार, इनको कहीं सोचेंगे हम परेशान कर रहे हैं, इसलिए मार नहीं रहे हैं। वो भी सिफारिश है। अच्छा, यहां पे बनेगी होम होम पराठे काट रही हैं। सो हमारी पूजा वगैरह हो गई है। अंदर मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। वहाँ पे नीचे जाके थोड़ा सा छोटा ये मंदिर था जहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, तो इसका मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है। एंड ये जो मंदिर है, ये माता रानी का मंदिर है। तो इस मंदिर में पूजा हो गई है, पीछे आप देख सकते हैं मंदिर। अब हम जा रहे हैं दूसरे वाले मंदिर में, मंदिर ही मंदिर देखने को मिलेंगे आपको इस वीडियो में। और मैं यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो जी, अब पूज गया हम दुहर मंदिर में, जाना लीजिए। और मंदिर कहाँ है मैं आपको दिखाऊंगी खाई में जाके। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मंदिर कहाँ है। ये लोग जा रहे हैं ना, इससे भी नीचे आपको दिख रहा होगा दूर तक, अभी मतलब आगे जाके दिख जाएगा, वहाँ नीचे जाके मंदिर है। और रास्ता आप देखिए कितना ख़तरनाक है, पिरू ही पिरू यहाँ पर गिरा हुआ है। तो चलिए चलते हैं। साड़ी में पीरू पे चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, पता नहीं गांव की औरतें कैसे ये सब मैनेज कर लेती हैं, हमसे तो नहीं हो पा रहा भैया। तो मैं कैमरा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे पता चला सीधे मैं नीचे ही पहुँच गई फिसल के। तो मंदिर में पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देख सकते हैं कितना घना जंगल है ये, एक बार तो हम बीच में रास्ता भी भटक गए थे। तो चलिए आगे चलते हैं। फोटो खींचे
हम लोग मंदिर में जाके आ गए हैं। वो हमारे पितृ देवी देवताओं का मंदिर था जहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता। कुछ रिचुअल्स होते हैं जो हमें हमेशा फॉलो करने चाहिए। एंड अभी हम आगे जा रहे हैं दूसरे मंदिर की तरफ, मतलब तीसरा, दो हो गए, हम तीसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और रास्ता आप देख सकते हैं कितना बढ़िया है। तो चलिए चलते हैं आगे। सो अभी हम लोग पहुँचे हैं सनगाड़ के मंदिर में और यहाँ का व्यू देखने लायक है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, इतना अच्छा व्यू है यहाँ का। सीढ़ीनुमा खेत हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और इतनी अच्छी हवा चल रही है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। वो लोग नीचे मंदिर में जा रहे हैं जहाँ मुझे भी जाना है, मंदिर नीचे है। तो चलिए मंदिर में चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ बाहर का। तो ये है सनगाड़ का मंदिर। अभी हम लोग तालाब में जा रहे हैं। मंदिर के सामने सुंदर सा तालाब है, उसमें हाथ पैर धोएंगे फिर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए वीडियो के थ्रू। और अगर आप आते हैं तो आइए इस मंदिर में, बहुत अच्छा मंदिर है और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। अब तो सड़कें बन गई है, जब हम 8-9 साल पहले आए थे तो काफी पैदल चल के आना पड़ता था। अब तो मंदिर से थोड़ा सा पहले उतरना पड़ता है फिर आना पड़ता है यहाँ पे। तो ये है वो तालाब। कैसा पानी? तो जी पूजा वगैरह हमारी हो गई है। एंड हमारे पहाड़ में तिलक यहाँ से, जो मैरिड होती है उनके यहाँ से यहाँ तक लगाया जाता है। तो अंदर मैंने शूट इसलिए नहीं किया क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, बहुत अंधेरा था। मैं आपको बता देती हूँ कि जो माता की मूर्ति है वो कहाँ पे, अंदर माता की मूर्ति जो कि जयपुर से लाई गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ वो कहाँ पे है। गेट आपको मैं बता देती हूँ, आप लोग ज़रूर आइए यहाँ पे, बहुत अच्छा मंदिर है ये। ये मंदिर का गेट है, इसके अंदर जाके है माता की मूर्ति। तो अब हम दूसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत आगे जाके है, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, लेट हो जाएंगे हम लोग, तो इसलिए हम यहाँ से निकल रहे हैं। वो जो आप देख रहे हो वो मंदिर है। इतना हम चल के आ गए, मेरी सांस भर रही है चलने में। और हमें अभी वो जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, इतनी ऊपर जाना, पहले तो इससे भी ज़्यादा चलना था, अब सड़कें बन गई है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले मंदिर में।
मौसम जो है एक मिनट में धूप आ जा रही है, एक मिनट में छाया हो जा रही है, इतना बढ़िया मौसम हो रहा है यहाँ पे। बस हम आ गए गाड़ी के पास और चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। यो बारात जाने एंड सब बाराती पीबे टोली री। अब हम हमारी कुल देवी के मंदिर में आए हैं, जो कि कुटगड़ी माता का मंदिर है, जिसे कोकिला माता भी कहा जाता है। सब कुछ हो गई है, बहुत अच्छे से पूजा हुई, बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, हमने आरती भी करी, आरती में हम शामिल हुए थे, आरती का टाइम हो गया था। एंड उसके बाद हम आ गए होटल में एंड यहाँ पे मुझे अपना एक दोस्त मिला जो कि बहुत क्यूट है, मैं आपको उससे मिलवाती हूँ। ये रही छोटी सी जो कि अभी एक महीने का है और इसका नाम है बिसोंड और एक इसके पास है जिसका नाम है टपकी। ये मुझे बहुत क्यूट लगा है। टपकी मुझे जयपुर ले जाना है टपकी को। इसको टपका के लेके जाएंगे हम लोग। इसके देखो मेहंदी लगा रखी है पाँव में पूछो में। टपकी टपकी की शादी थी अभी। टपकी हाय बोलो। टपकी टपकी हाय बोल रहा है। और ये वाला एक महीने का भिषोण। ओ भिषोण हाय बोलो भिषोण। नहीं बोलेगा। और इसकी मम्मी भी है। कहाँ है वो री। ये भिषोण की मम्मी है रूबी। से हाय। हाय बोल रही भाई रूबी। और भी बहुत सारे यहाँ पे कुछ। एंड यहाँ पे एक म्याऊ भी है जिसका नाम है चिंकू। नाम बहुत यूनिक है यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ टपकी क्या कर रहा है। टपकी क्या कर रहे हो यहाँ पे। चलो बाहर चलो। ये मुझे सबसे क्यूट लगा। इसको टपका के लेके जाएंगे जयपुर। चलोगे जयपुर हैं।
सो अभी हम चाय इंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ में सबसे अच्छा टाइम पास का जरिया है चाय। यहाँ पे जिसके भी जाओगे आपको चाय पीने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत होती है। एंड यहाँ के मैं आपको होटल से जो व्यू है वो दिखाती हूँ। एंड यहाँ पे जो गुलाब है ना, मतलब इतने बढ़िया गुलाब जयपुर में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। गुच्छे के गुच्छे लटक रहे हैं यहाँ पे गुलाब के, ऐसे कैसे। और वहाँ पे इतनी केयर करो तब भी इतने अच्छे गुलाब नहीं होते। तो मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ये देखिए आप। मतलब तरह तरह के गुलाब आपको यहाँ पे मिलेंगे। आज हमारी एनिवर्सरी भी है, तो एक छोटी सी पार्टी की तैयारी हो रही है। क्योंकि ये रिसोर्ट थोड़ा रिमोट लोकेशन में है, इसलिए केक का ऑर्डर 2-2.5 घंटे पहले देना पड़ता है। ठीक, बुझा दो, बुझा दो। अभी बैठे गए हैं। शादी की शाल को मुबारक हो। आप लोगों को जल्दी खाओ, जल्दी नहीं, पूरा मेल्ट हो रहा है। जमा हुआ ही नहीं है तो बोल रहा हूँ, ताजा बना के लाऊंगा। बिल्कुल इतना ताजा की जमा भी नहीं है। देखे ठंडे में खा गए, ताजा है ना, फ्रेश है एकदम से, जो है ना। चलो केक से नहा लेना, नहा लेना ठंडे में। उठ लो,